देख के, इधर देख के, हाँ देखो इधर देख के, आपकी सब मासी को सब बोल दो गुड मॉर्निंग। अच्छा वो अकेले से सॉक्स पहन रहा है। अच्छा गुड मॉर्निंग बोल दो, यहाँ देख के। अरे क्या हुआ, अच्छा पैर स्लिप कर रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, टोपी पहनना नहीं चाहता है, टोपी पहन के इचिंग हो जाता है। अच्छा हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे आप सभी, आपके बोले अच्छे हैं, मैं फिर स्वस्थ है और खुश है, और हम तो एकदम बिंदास है। तो सुबह आज थोड़ा सा लेट उठे हैं, 6 बजे बेटे आज उठे हैं हम, 6 बजे, अभी बज रहा है 7, पासी काम तो सारा हो गया है, उसके बाद फिर ये लोग पास गए थे, फिर ये लोग को उठा के लेके आए हैं पहना पुनों को। ठंडी के टाइम पे बच्चे को हमेशा ठंडी का कपड़ा पहनना चाहिए, ठंड लग जाता है। रुक जा रुक जा। हेलो गाइस, प्लीज कराइए इसको ना ख्याल है, इसको ना खाना बने है, पिज्जा बने है, बस हमें साथ से लेकर आ रहा है। बोल रहा है कि उसको पिज्जा खाना है, पिज्जा बनाना है, तो मामा पिज्जा बना के देगी। पिज्जा मतलब ब्रेड पकौड़ा। कल मार्केट गए थे, ब्रेड लेके आए थे ना एक पैकेट। कल का कपड़ा जो धोए थे वो भीगा हुआ है, क्योंकि ठंडी के दिन में एक दिन में बिल्कुल नहीं सूखता है, तो उसको दोबारा फिर धूप में दे रहे हैं। हल्का हल्का सा धूप आया है, अभी सूख जाएगा। और घर पे अंडा नहीं है, उसको ब्रेड खाना है, इसके पापा को बोल रहे हैं जाके अंडा ला दीजिए, तो ब्रेड बनाते हैं उसके लिए। किट्टू अभी तक मुँह फुला के वहाँ बैठा हुआ है चौकी पर, और साड़ी आज पता नहीं कुछ ढंग से नहीं पहन पाए हैं, कुछ अजीब अजीब सा लग रहा है, या फिर ये वाला साड़ी ना हम जल्दी नहीं पहनते हैं, ये ना जॉर्जेट वाला साड़ी। और मुझे शिफॉन का साड़ी बहुत पसंद है, जो सॉफ्ट होता है और बहुत ज़्यादा कंफर्ट होता है, तो ये मम्मी दी है और मुझे पसंद भी आया है। किसके लिए? मंगा दो अभी। आपका और मेरा। बस खाना तो धो लिया, गर्म होते कर लोगे, ठंडी के टाइम से ऐसे भी ज़्यादा टाइम लगता है। जाओ ब्रश कर लो। वाइट वाइट एक। ये मेरा शैम्पू। एक ही शैम्पू? ये एक नहीं है, देखा कितना लंबा है। एक दो तीन चार पांच, पांच शैम्पू है, 5 दिन जाएगा। क्या बनाओगे? जब ब्रेड बनाओगे तो आटा क्यों सान रहे? रोटी खा के जाएंगे। ब्रेड तो ऐसे किट्टू को हम देते नहीं है, जबकि वो मैदा का बना हुआ होता है, पर किसी किसी दिन चलता है। हम बाजार गए थे तो वहाँ से हम ब्रेड लेते आए थे, जब वहाँ पे ब्रेड दिखा तो मुझे ब्रेड बहुत पसंद है, पर हम कल रात में एक सिंपल छोटा सा ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ना मोटकुशा, वो खाए थे, और ऑमलेट देके मतलब अंडा देके जो बनाता है वो तो हम खाए ही नहीं है, और क्योंकि इतना छोटा सा है फिर उन लोगों को क्या देंगे, तो इसीलिए अभी जो बना रहे हैं ना दोनों पापा और बेटू के लिए, वो दोनों ही खाएंगे, और जिस दिन ज़्यादा पैकेट लाएंगे उस बड़ा बड़ा पैकेट, उस दिन घर के सारे के लिए बनाएंगे, ये दोनों के लिए बन रहा है। और बस हल्का सा ब्रेकफास्ट, उसके बाद फिर जल्दी जल्दी मुझे खाना बनाना है, आज जाएंगे 11 बजे शायद काम पे जाएंगे। देखो बनके हो गया है रेडी, ऑनियन और जो हॉट चिली है ना, मिर्ची जो दी है वो बस ऐसे ही दी है ताकि थोड़ा सा लुक अच्छा आए। जल्दी जल्दी करके रोटी बनाए, फिर पत्ता गोभी का भाजी बनाए, पर ब्लॉग नहीं कर पाए हैं, बहुत जल्दी जल्दी बना के दिए हैं, और ये भी नहा धो के हो गए हैं रेडी, अभी जाएंगे काम पे, इनको जाना था 11 बजे जाओगे ना, तो इसीलिए ब्लॉग नहीं बनाया है। और अभी मुझे इतना जोरों का नींद आ रहा है, इतना जोरों का नींद आ रहा है कि हम बता नहीं सकते, इतना नींद आ रहा है, पर सो नहीं पाएंगे क्योंकि मुझे काम है अभी, तबीयत सही नहीं लग रहा है एक्चुअली, ठंड लग गया है, सर भारी बहुत ज़्यादा है, गला बैठ रहा है, ये दर्द है। कुछ दिन पहले ठंड लगा था, फिर ठीक हो गया था, किट्टू भी ठीक, हम भी ठीक, फिर से दोनों मम्मा को बेटू को दोनों को ठंड लग गया, इसीलिए शायद थोड़ा वीकनेस लग रहा है और नींद भी आ रहा है। द नेक्स्ट डे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अगले दिन मुझे दोपहर के बाद से अचानक से बहुत ज़्यादा फीवर आ गया था, उससे पहले दिन से पता चल रहा था कि कुछ तो होने वाला है, बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रहा था, और फीवर आने के बाद तो मतलब उसके बाद ब्लॉग बनाने का मूड बिल्कुल नहीं था, और दोपहर में तो हम खाना तक नहीं बनाए थे,
और घर के लिए सगरे के लिए था वैसे। फिर हमने उनको कॉल करके बोला कि मेरे लिए दवाई ला दो, वो काम पे गए थे तो आते टाइम मेरे लिए दवाई लाए थे, हमने रात में खाया, अब मुझे अच्छा फील हो रहा है। और अभी सुबह में बनाएंगे बैगन का कुछ, 3 बैगन है तो एक को हमने धो के रखा है, सोच रहे हैं तरवा बना ले। और बैंगन को ना मछली दे के बहुत टेस्टी लगता है, मेरा फेवरेट है मछली के साथ बैंगन बनाए, पर यहाँ पे मछली आता ही नहीं है बिल्कुल। और हमारे वहाँ पे डेली हर रोज़ ये हफ्ते में एक दिन छोड़ के हर रोज़ बनता है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो चाहे वो किसी भी हो, पर उनके घर पे फिश तो आना चाहिए। तो हमने ऐसे काट भी लिया है गोल गोल सा, और इस पर हम डालेंगे नमक, हल्दी, मिर्ची का पाउडर और देंगे थोड़ा सा मसाला। मसाला देके जो तरवा बनता है ना वो बिहार में बहुत फेमस है और बहुत टेस्टी होता है, और रोटी के साथ तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। आज कल हम रात भात नहीं बनाए थे तो रात में भात था ही नहीं, रात में भी हम नहीं खाए थे, सुबह में भात बिल्कुल नहीं है, जो बनेगा रोटी तो सारे के लिए आज रोटी और बैंगन का तरवा, और कल रात का भी थोड़ा सा सब्जी है सोयाबीन का। और ये ना भागलपुर का फेमस वर्ल्ड फेमस पापड़ है, बहुत लाजवाब एकदम टेस्ट होता है, और इसको इतना ज़्यादा तेल नहीं है इसीलिए हम 4 पीस पे काट लिए हैं ताकि कम तेल में फ्राई कर सके। और ये मिल जाए तो मतलब इतना टेस्टी होता है ना, बस खाने का मन कर जाता है। तो देखो ज़्यादा तेल नहीं है, थोड़ा सा तेल में हम फ्राई कर ले रहे हैं। कढ़ाई इतना गर्म हो गया है ना कि धुआं उड़ रहा है ऊपर की तरफ, तो थोड़ा सा तेल देके हम फ्राई करेंगे, एक डालने के बाद दूसरे को ना फिर उसी जगह पे डालेंगे तो क्या होगा सारे को तेल बराबर लग जाएगा। उसके बाद तो लो फ्लेम करके अच्छे से इधर उधर पलट पलट के अच्छे से भाज लेंगे, गल भी जाएगा और कलर भी एकदम मस्त आता है ये देने के बाद, मसाला देने के बाद। इसको मसाला तरवा बोलते हैं, और हम लोगों को उधर पता है बंगाल में हल्दी और नमक दे के प्लेन फ्राई होता है, वो भी बहुत अच्छा लगता है, पर उससे ज़्यादा ये ज़्यादा टेस्टी लगता है मुझे। किट्टू मेरा बच्चा, जा 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 मम्मा किशन, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह उठ के लाड़ प्यार दिखाता किट्टू हर रोज सुबह में आके, जब मुझे एक झप्पी देता है किसी देता है ना ऐसा लगता है कि सारा थकावट पता नहीं कहाँ वैनिश हो गया। तो बैगन का भाजी होते होते हमने आटा भी सान के देखो लोची लेया बना लिया, बनाएंगे रोटी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सभी, आई होप कि अभी अच्छा है नेक्स्ट डे, और अभी हम ठीक है। कल दोपहर के बाद से ना थोड़ा फीवर आ गया तो उसके बाद ब्लॉग भी नहीं बनाया, जब एनर्जी नहीं रहता है मुरझा हुआ चेहरा रहता है ना तब ब्लॉग बनाने का बिल्कुल मन नहीं करता है। तो अभी हम ठीक हो गए हैं और नाश्ता भी कंप्लीट बनाया हुआ लिए हैं, अब आए हैं सर पे थोड़ा तेल लगाएंगे, सर बहुत भारी हो रखा है और देखो तेल जम गया है पूरा, ठंड भी उतना ज़्यादा भी नहीं आया पर तेल जम गया है, तो इसको हम ये काट देंगे ये वाला। उसके बाद सर पे तेल लगा लेते हैं फिर काम करते हैं। फीवर जब मुझे होता है ना तब सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होता है ना वो होता है मेरा सर बहुत ज़्यादा भारी होता है, सर में बहुत तेज़ दर्द रहता है। तो आज हम सोचे हैं कि बाहर धूप आया है, बच्चे लोग भी खेल रहे हैं, थोड़ा सा सर पे तेल लगा के चंपी कर लेते हैं अच्छे से, उसके बाद थोड़ा जाके धूप में बैठेंगे ताकि थोड़ा सा अच्छा फील हो। और जब भी तबीयत ख़राब होता है और रेस्ट जाके भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियाँ रहता है घर का, बच्चे हस्बैंड घर के बाकी सारे, तो उसके बाद ना मुझे मेरी माँ का बहुत याद आता है क्योंकि जब हम शादी से पहले कुछ भी होता था ना तो माँ बोलती थी कि रहने दो आप रेस्ट करो, जब ठीक होगे तब करना। और इतना दूर घर से आ गए हैं ना कि कभी अगर मन करे ना घर जाने का तब भी नहीं जा पाते, और अगर प्लान बना ले तब भी नहीं जा पाते। उस दिन कुछ दिन पहले इनवाइट आया था मुझे, वहाँ पे मेला है जाने के लिए, तो हस्बैंड ने मना कर दिया कि नहीं जा सकते हो, और जाना है तो अकेले जाओ, इतने छोटे से बच्चे को लेके हम ट्रेन पे 24 घंटे का रास्ता कैसे जाएं। सुन के मतलब जब भी सोचते हैं ना पता नहीं अजीब सा फील हो जाता है। चलो जैसे भी हो खुद को कंट्रोल करो। तो देखो हमने ना आज कंबल वगैरह सब यहीं पे रखा है क्योंकि ऊपर में यहाँ पे रखे थे ना तो कल मेरा मच्छरदानी चूहा ने काट लिया,
एकदम बेकार कर दिया है। तो यहाँ पे देखो कल का कपड़ा सब सूख गया था, उठाए नहीं थे, आज सब फोल्ड करके रख रहे हैं। और जो बेडशीट है ना, ये मम्मी दी थी, बोले थे ना बेडशीट दी थी, आज दिखाएंगे, तो यही वाला बेडशीट है। कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना, फिर अच्छे से दिखाते हैं। सारा कपड़ा भी हमने उठा कर सेट कर दिया है, तब हो गए हैं फ्री। और अभी बज गया है 9:15। अभी रोटी के मेरे बच्चे को नाश्ता करा रहा, गोली भी आ गई। गोली कल स्कूल में थे आज, आज नहीं है। तो बच्चे लोग यहाँ पे खेल रहे हैं। बुखार जुखाम सर्दी होके ऐसा हालत हो गया है ना, ऐसा लगता है इम्यूनिटी पूरा डाउन हो गया है। और कल रात में दवाई खाए थे हम, पता है कल सुबह में खाए थे, दोपहर में हमने खाना तक नहीं बनाया था, मतलब इतना तबीयत खराब था। रोटी था इसीलिए कि सब खा लेंगे, मेरा फिक्र हम नहीं किए थे। उसके बाद फिर थोड़ा धूप में खड़े होते हैं, उसके बाद फिर रात में हम रोटी बनाए हैं, पर हम खाए नहीं हैं। और उसकी वजह से तो और ज़्यादा वीकनेस लग रहा है, सर बहुत ज़्यादा भारी हुआ है, दवाई भी ला के दिए हैं। तो अब नाश्ता करेंगे और दवाई खाएंगे, उसके बाद शायद थोड़ा सा अच्छा फील हो। अभी सुबह से सुबह उठने के बाद थोड़ा सा अच्छा फील तो हो रहा है, फिर भी दवाई खाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे से किट्टू को भी ठंडा लग रहा है। एक इन जो होता है ना वायरल इन्फेक्शन, एक को होना मतलब एक के आसपास जो भी रहेंगे सारे को होना है, तो किट्टू को भी हो गया इस वजह से। तो लेके जा रहे हैं, ये बाटी बहुत पुराना है और देखो यहाँ पे फट गया है, तो उसको भी खाना देंगे और साथ में हम भी खा लेंगे, फिर दवाई खा लेते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं। काम आ गया ना, क्या कर रहे हैं पापा? गाजर पर पौधे पे पानी दे रहे हैं, साग पे। दवाई खाने के बाद से ना थोड़ा सा सर हल्का हुआ है, और दवाई था P650। तब चलेंगे गोली के घर, गोली को बुलाने के लिए, क्योंकि जहाँ ना मतलब गोली की दीदी ना, उसका भाई के बेटे के लिए स्वेटर लेने वाली है हस्बैंड जी से। तो हम बीच में रह के क्या करेंगे, उनको लेना है और जो ला के देंगे, दोनों अगर आपस में बात कर लेना तो सही होगा। मुझे बोल रही है, हम इनको बोल रहे हैं, तो मुझे समझ, उनको समझ में नहीं आ रहा है उनको चाहिए कि, तो उनको बुला देते हैं डायरेक्टली, उनसे बोल देंगे। हम घर जाके इन लोगों को बुला के लेते आए, और जिनके साथ इनको बात करना है, पापा बेटू दोनों चले गए हैं घूमने, हम बस गए आए हैं, हाँ कि नहीं बताओ? हाँ। एक खाना बना रही थी उसमें, उसको हम खाना बनाते हुए भी उठा के लेके आए, जल्दी चलो मामा है नहीं तो भाग जाएंगे। आके देखे तो नहीं भाग गए आने दो, फिर बुलाते है ना। हम जा रहे थे, हाँ जाओ काम कर लो, हम भी जाए, भात चढ़ाएंगे और दाल और भरता, आलू का भरता, बैंगन का भरता और दाल, दोपहर का यही मेनू है। देखो दोनों चिल्लाते चिल्लाते जा रही है काम से उठा के लेके आए थे, तो दाल भरता और बैंगन का भरता और भात, बिहारी एकदम फेमस वाला सिंपल सा खाना बना लेते हैं फटफट, और वो नहीं दिखाते अभी। तो अभी देखो 11 बज गया, बहुत दिनों से रखा था, मतलब अगले ठंडी में यूज हुआ था, उसके बाद रखा हुआ था, फिर आज धो लिए हैं, आधन चढ़ाए हैं ना, तो उसमें का पानी हम इस पर ढाल लेंगे। ठंडी आ गया है तो क्या होगा कि किट्टू को ठंडा पानी अब नहीं पिला सकते, उसमें उसमें गर्म पिलाएंगे। आधन भी चढ़ रहा है, दाल भी चढ़ाएंगे। कहाँ गए थे बताओ, कहाँ गए थे, कहाँ गए थे बताओ बेटा? चॉकलेट चाहिए, घूमने गए थे घूमने। और हम जहाँ ना को गोली को बुला के लेके आए कि वो क्या क्या स्वेटर लेगी, आपको बोलने के लिए आए काम छोड़ के, और फिर भाग गए। हाँ कैसे लटक रहा है, गिर जाओगे सुना है, गिर जाओगे, उठो उठ जाओ। बाद मैंने चढ़ा दिया है, दाल भी हमने चढ़ा दिया है, आलू देखे जब होगा तब जाके देखेंगे। और मेरे लिए मार्केट से क्या लाया है पता है, बिग चॉकलेट, गले का खराश दूर करने के लिए, वो भी 1 रुपए का। पहले खाते थे बहुत ज्यादा, मतलब ऐसे कुछ हो है ना हो, अब कहाँ मिलता है, थोड़ा झाँझ झाँझ लगता है ना, अच्छा लगता है। अच्छा किस किस को बिग्स का चॉकलेट पसंद है, मतलब बिना गले के खराश के भी खाते हैं, कमेंट करना ठीक है। एक घंटा पहले ना डलिया से और जग, डलिया और जग लेके पानी दे रहे थे डलिया के अंदर से, ताकि हर एक साग में बराबर से पानी गिरे, ज्यादा ना गिरे और गणेश चले ना। और उसके बाद लगा रहे हैं स्प्रे, क्योंकि जो सेम गाछ है ना उस पर वो लग गया है कीड़ा वगैरह व्हाइट व्हाइट कलर का, इसीलिए। 12:30 बजे आज मेरा कंप्लीट किचन का क्लीनिंग वगैरह भी हो गया है। और किट्टू सर पे कल बाली गिराए थे ना मुट्ठा भर के, शैम्पू से नहाना है आपको, आज शैम्पू से नहाना है, चलो मम्मा भी आनु आनु करे और किट्टू भी आनु आनु करे, चलो।
चलो नहीं जल्दी आओ, मामा पानी भरे बाथरूम में, आप जल्दी रेडी हो नहाने के लिए। मेरे किट्टू का छोटे का स्वेटर देखो कितना प्यारा। बोलिए इस सब कलर तो पसंद आ गया था, ही कलर का लाते हैं। ये कलर चेरी कलर ना खूब सुंदर लगता है। उस टाइम पे लॉकडाउन ही लग गया कि बच्चा कहीं घूम नहीं पाया। हाँ दो दिखा के लगता है। बोलो किसी में का मिलेगा स्वेटर, ये गर्म भी होता है बहुत अंदर में, वो वाला दूसरा भी आएगा, ऊन वाला आएगा। कितना बड़ा? चार उंगली बड़ा मतलब। और उसकी मम्मी बोल रही है कि बिना बटन का बिना चैन का भी हो तो अच्छा हो। ठीक है देखें। तो तीन चार लेते आ जाओगे? ठीक है, जो पसंद होगा वो ले लेंगे, जो पसंद नहीं होगा मेरे बाबू का रख दे। इतनी पूछ कुछ आप देखो कितना शरारत का डब्बा। किट्टू को सुलाने के बाद नहा के थोड़ा सा रेडी हो गए हैं और खाना पहले खा लिए थे, भूख लग रहा था किट्टू को। बकरी आ गया था आज, सारा साग खा के भाग जाएगा, इसलिए गेट लगा दे रहे हैं क्योंकि हम चलेंगे अब अंदर थोड़ा एडिटिंग वगैरह करने के लिए। एडिटिंग नहीं करेंगे तो आप लोगों को ब्लॉग नहीं दे पाएंगे। और साड़ी पहने एक पिन करके दिखाते हैं कैसा लग रहा है। मेरे पास जितने साड़ी है ना, बहुत सारे मेरे पास साड़ी है, सबसे अच्छा मुझे ये साड़ी लगता है। ये ज़्यादा महंगा नहीं है, शायद 400 या 500 का साड़ी था। दम लगा के हैसे है, जोर लगा के हैसा था ना उस उठा था मूवी, उस टाइम का वो साड़ी और ये साड़ी सेम है। एक तो मोटू मोटू हो गया है ना, इसीलिए साड़ी का लुक थोड़ा सा अच्छा लगता है। सूट का तो एकदम बेकार भद्दा लगता है, मुझे खुद को बेकार लगता है। और पता नहीं किट्टू को जब स्कूल में हम डालवा सकते हैं, मतलब स्कूल जाने में जब लगेगा तब हम थोड़ा सा टाइम अपने को दे सकते हैं। आप लोग तो जानते ही हैं दिन भर मेरे कितना काम रहता है, काम करते करते टाइम मतलब निकल ही जाता है, अपने आप को नहीं दिखाते हैं, एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर पाते हैं क्योंकि मॉर्निंग पे ये जाते हैं तो इनका सारा कुछ और भी दिन वगैरह लेना पड़ता है। तो जब किट्टू स्कूल पे जाने लगेगा, स्कूल पे इसके पापा चले जाएंगे काम पे, किट्टू चल जाएगा स्कूल पे, तब मुझे थोड़ा सा टाइम मिलेगा कि अपने आप को थोड़ा सा एक्सरसाइज करके थोड़ा सा स्लिम बना सकते हैं। उसके पहले तो जितना भी कोशिश करें, जितना भी सोचें, पर इम्पॉसिबल होता है। तो चलो पहले हम एडिट कर लेते हैं फिर बोलते हैं। और दोनों तो सो रहे हैं। मेरे खिड़की में ना लगाने वाला एक कार्टून था, मतलब वो फाइबर वाला था, झूला खोल लेते हैं, झूला में एडिट करेंगे और क्योंकि लेटने का जगह नहीं है। तो मेरा एडिट खिड़की पर लगाने वाला जो था ना वो टूट गया है। इस साल पता नहीं क्या लगेगा, खिड़की का कोई गेट नहीं है, मतलब जो लगाने वाला होता है ना गेट, वो नहीं है। तो ऐसे ही हम एक कोई भी कपड़ा फोल्ड करके ऐसे ही मतलब टांग देते हैं ताकि ठंडा ना आए यहाँ बारिश के टाइम पे भी। और इस साल तो पता नहीं, देखते हैं कुछ तो करना पड़ेगा और देखते हैं, हस्बैंड जी है ना वही कुछ मैनेज कर लेंगे। तो मिलते हैं एडिट करने के बाद। शाम में मेरे देवर आए थे तो उससे बात करते करते थोड़ा लेट हो गया, उसके बाद फिर एडिट करते करते और लेट हो गया है। अभी बज गया है देखो 7 बजे हमने पोस्ट किया, उसके बाद आए हैं खाना बनाने के लिए। जल्दी जल्दी कर रहे हैं, कचरी का सब्जी बनाएंगे और पानी के बदले में दाल दे देंगे जो दोपहर का दाल बचा हुआ है। तो देखो कैसे बनाते हैं, बहुत ईजी है। और है कि कुछ दिन से ना थोड़ा लेट पोस्ट हो रहा है तो व्यू भी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं आ रहा है, जितना भी कोशिश करें ना जल्दी पोस्ट करने का पर कर नहीं पा रहे हैं। देखते हैं कब तक सब कुछ रेडी करते हैं। ये देखो कचरी हमें छाक लिया है, ये है किट्टू का बिना मिर्ची का। इतना जल्दी 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 बनाए हैं ना, यकीन नहीं कर सकते हम इतना जल्दी जल्दी बना रहे हैं। जिस दिन जल्दी खाना बनाते हैं उस दिन हमारे घर के लोगों को ना लेट से भूख लगता है। आज थोड़ा लेट हो गया है, सबको जल्दी भूख लग गया है। तो जैसे भी हो सब्जी तुम चढ़ा दिया, आटा चलना है। भी जस्ट पोस्ट किए हैं 7 बजे, उसके बाद से अभी बना रहे हैं। मतलब जब तक बना के फ्री नहीं हो जाते ना तब तक क्या बोलते हैं चैन वाला सांस नहीं लेंगे, तो बना लेते फिर मिलते हैं। किसने ड्राइंग किया है ये? हाँ ये किट्टू का है। ड्राइंग कौन किया है? ये वाला? ये पापा बना दिया। अच्छा, और ये किसने बना दिया? ये किट्टू बना दिया। वाह किट्टू का बहुत अच्छा हुआ है। है ना? गुड।
देखो ठीक किट्टू बनाया स्माइली वाला आईब्रो इतना मोटा था आईब्रो दे दिया मुझे हां देखो पोज देखो अब इसे जिम क्यों निकाल रहे हो होंठ फट जाएगा चलो हो गया ना दिखा देना मामा को चलो क्या बात सुबह में तो चाय पीते नहीं शाम में पीते नहीं रात में क्यों पी रहे हो हैं जामु आया था जामु के लिए रखे थे ना अभी तक नहीं आया और जमशेद के लिए जामु के लिए देवर के लिए इसलिए आप पी रहे हो अभी इतना ज्यादा बोला था ना आएगा हाँ वेट कर रहे थे अब खत्म हम बर्तन धुल जाएंगे पी के खत्म कर देंगे ठंडा ही गरम बना दिए हैं ठीक है किट्टू चलो उठो चाय पीने के बाद ना फिर हमने वो देवर को फ़ोन किया वो देवर ना मेरे सगे देवर है मतलब स्टेप ब्रदर इन लॉ इनके सगे भाई है उनका घर उधर रास्ते के पास है कभी दिखाएंगे तो वो थोड़ा लेट हो गया अभी 9 बज के आए हम बर्तन धोने आए हैं 9 से भी ऊपर हो गया है फिर मम्मी फ़ोन मांगी उठ के आके फिर मम्मी को फ़ोन दिए फिर गए हैं बर्तन धोने और रात में इतना ठंड लग रहा है ना एक तो साड़ी पहन रखा है ऊपर से अगर इसके ऊपर चादर ओढ़ के बर्तन धोएंगे ना तो सारा भीग जाएगा और बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रहा है मुझे बेबी क्या बात है कमल ओढ़ के सो गए आके बुखार तो नहीं आया फिर से कितना कन कन बर्फ की तरह एकदम किट्टू मम्मा का हाथ छू कैसा है मम्मा का हाथ हाथ कैसा है किट्टू हाथ समझ नहीं आ रहा ठीक है ना तबीयत खाना खाएंगे और सोएंगे बहुत जल्द नींद भी आ रहा है तो आए गए सुबह के उठे पड़े हैं लाए खाना हाँ लेके आया किट्टू भी खा रहा है बाहर ना चोर का बहुत ज्यादा हल्ला हो रहा है चोर आया अभी 11 भी नहीं बजा है बहुत ज्यादा हल्ला हो रहा है मम्मी से बाहर गई और कुंभ कर जी अभी तक सो रहे उठाए हम बोले देखो चोर आ रहा है हल्ला हो रहा है बोले वो चोर आ रहा है फिर से सो रहे ये अभी तक सोया नहीं है जब तक नहीं सो रहा तब तक हम नहीं सो पाते तो गुड नाइट